बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुणाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो हंसी टीवी चैनल से है और वीडियो का नाम है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेरूसलम सिटी एक्सप्लेन्ड। हाँ जी, तो आजकल आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि काफ़ी कुछ हो रहा है आजकल ना, जेरूसलम इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी कुछ हो रहा है, दंगे फसाद लड़ाइयाँ ये सब हो रहा है। तो कहते हैं कि इस मस्जिद के आसपास ही कुछ ऐसा हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहीं से शुरू हुआ ये दंगे, वही मतलब लड़ाई झगड़ा वहीं से शुरू हुआ है। तो एक बार हम इस मस्जिद की इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ताकि बेटर हमें अंडरस्टैंडिंग हो आगे के लिए। तो हंसी टीवी से आई वीडियो तो स्टार्ट कर दें। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस दुनिया के तीन सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदी मज़हब के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये फ़लस्तीन के शहर यरूशलम में मौजूद वो मुकद्दस तरीन मकाम है जहां अल्लाह के किसी नबी की तामीर करदा मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा मौजूद है। यरूशलम शहर का किरदार कुर्बे क़यामत के हालात से मुतल्लिक इंतहाई अहम और फैसला कुन है और मौजूदा दुनिया के हालात को समझने के लिए यरूशलम के हालात को समझना बहुत ज़रूरी है। यहूदियों के मुताबिक ये मुकद्दस शहर इनके मसीह की आमद की जगह है जहाँ से वो पूरी दुनिया पर एक बार फिर से हुकूमत करेंगे, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी हुकूमत थी। जबकि ईसाइयों के मुताबिक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शहर है जहाँ नाऊज़ बिल्लाह इन्हें सूली पर लटकाया गया और कुर्बे क़यामत से पहले वो फिर इसी जगह पर एक बार फिर से लौट कर आएंगे और ईसाइत की तस्दीक करेंगे। जबकि मुसलमानों के लिए ये क़िबला अव्वल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा की ताकि यहूदियों को ये यकीन हो सके कि जिस खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देकर भेजा, उसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब देकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा है। सफ़र मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक यानी यरूशलम शहर तक सफ़र किया और फिर वहाँ से आसमान की बुलंदियों पर मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद होता है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक जिसके गिर्दो नवा में हमने बरकत रखी है ताकि इसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सब कुछ सुनने वाला है। इसके अलावा यही वो जगह है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आसमान से तशरीफ़ लाएंगे और इस्लाम को सच्चा और हक का दीन साबित करेंगे। यरूशलम शहर की अहमियत कुरान करीम से भी साबित है। सूरह अल अंबिया में इरशाद होता है, और हमने इसे यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर निजात दी जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकतें रखी हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद की आग से निजात पाने के बाद अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ इराक़ से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुए और यहीं से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकर्रमा पहुँचे जहाँ आपने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह को फिर से तामीर किया। यानी कि यरूशलम ऐसी मुकद्दस सरजमीन है जिसे अल्लाह ताला ने आले इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए और आने वाले पैगंबरों और दीन यानी यहूदी, मुसलमान और ईसाइत के लिए फैसला कुन मकाम बनाया। क्योंकि जाहिर है कि इन तीनों मजाहब में से सच्चा तो कोई एक ही हो सकता है और यही किरदार कुर्बे क़यामत से पहले यरूशलम को अदा करना है। यानी ये शहर कुर्बे क़यामत से पहले सिर्फ एक दिन को सच और हक साबित करेगा और इसीलिए इसकी इस कदर अहमियत तीनों मजाहब के अंदर है। यरूशलम एक कदीम शहर है और तकरीबन 4000 साल पुरानी तारीख रखता है। ये दो मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। तारीख में इस पर 52 मरतबा हमले बताए जाते हैं और 44 मुख्तलिफ कौमों का इस शहर पर कब्जा हुआ। ये तिल अबीब शहर और बहिरा रोम यानी मेडिटेरियन सी से 60 किलोमीटर मशरक और बहरे मुर्दार यानी डेड सी से तकरीबन 33 किलोमीटर फासले पर जबले यहूदा से घिरा हुआ है, जहाँ यहूदियों की 3000 साल पुरानी तारीख, ईसाइयों की 2000 साल जबकि मुसलमानों की 1400 साल पुरानी तारीख मौजूद है। यहाँ इस वक्त 64% यहूदी आबादी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% ईसाई मौजूद हैं। हैकल की मगरबी दीवार जो कि एक वायद स्ट्रक्चर इस वक्त हैकल सुलमानी का मौजूद है, यहूदियों के लिए इस वक्त दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन जगह है। इस शहर के बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया था इस पर हराम है कि वो वहाँ जाएँ, हत्ता के याजूद माजूद निकल जाएंगे और तमाम बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ हलाक होने वाली बस्ती से मुराद यरूशलम शहर है जिस पर यहूदियों की बदामालियों की बदौलत 586 कबल मसीह में बाबुल इराक के बादशाह बख्त नसर और फिर टाइटस नामी बादशाह ने हमला करके शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान हैकल सुलमानी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया
मगर कुर्बे क़यामत से पहले ये लोग यानी यहूदी एक बार फिर से इसी बस्ती में आबाद होंगे। जैसा कि एक और जगह कुरान करीम में वाज़े तौर पर इसका बयान कुछ इस तरह से मौजूद है, और जब आखिरी वक्त आएगा तो यहूदी सरज़े मुकद्दस के अंदर लाए जाएंगे जहाँ से इन्हें निकाला गया था। और अल्लाह ताला का ये वादा आज नजायज़ इसराइली रियासत के कायम होने के बाद पूरा हो चुका है, यानी कि आखिरी वक्त अब करीब ही है। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि इस वादे के पूरा होने के बाद अब आखिर क्या होना बाकी है। यहूदियों का मानना है कि जब वो तीसरी मरतबा इस मुकद्दस हैकल मुसलमानी को दोबारा तामीर कर लेंगे तो इनका मसीहा जो मुसलमानों के नज़दीक दजाल है वो दुनिया में नाजिल होगा। इसलिए इनके पास इस हैकल की तीसरी मरतबा तामीर का मुकम्मल नक्शा तक तैयार है, और इसके साथ साथ वो ताबूत सकीना के हसूल के लिए भी बेचैन है। जिसकी मुख्तसर सी तारीख ये है कि यह मुकद्दस संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, जो पूरी ज़िंदगी आपके पास रहा और फिर आने वाले अम्बिया को विरासत के तौर पर मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, जिसमें वो अपना ख़ास सामान यानी तौरात का असल नुस्खा, अपना आसा मुबारक और अपना बाकी सामान रखते थे। इसके अलावा इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी मौजूद है, जिससे वो जिन्नात पर कंट्रोल करते थे। मगर हैकल सुलेमानी के दूसरी मरतबा तबाह होने के बाद ये संदूक ऐसा गायब हुआ कि फिर आज तक नहीं मिला। यहूदियों का मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन है, इसलिए इन लोगों ने खुद से बैतुल मुकद्दस के नीचे सुरंगें खोदकर इसकी तलाश शुरू की, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल बैतुल मुकद्दस से जुड़ा हुआ था, जहाँ इनका तख्त मौजूद था। और दूसरा, हैकल सुलेमानी का जो नक्शा बयान किया जाता है इसका भी मस्जिद अक्सर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहूदी हैकल सुलेमानी की तीसरी मरतबा तामीर से पहले मस्जिद अक्सर को शहीद करना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी के तामीर होने के बावजूद अगर मस्जिद अक्सर शहीद ना हुई तो हैकल की अहमियत पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी, इसीलिए यहूदियों के नज़दीक इसे शहीद करना ज़रूरी है। इसराइली माहिर आसार कदीमा के मुताबिक हैकल सुलेमानी कुबतुस सखरा के नीचे मौजूद है, और ये इलाका यानी मस्जिद अक्सा और कुबतुस सखरा मुसलमानों के कंट्रोल में है। इसराइल ने अरबों के साथ 6 रोज़ा जंग के दौरान बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया था, मगर मस्जिद अक्सा और कुबतुस सखरा का कंट्रोल इस जंग के बावजूद भी उर्दन के हाशमियों के पास ही था, जिसके बाद इन्हें वहाँ से निकाल कर इसराइलियों ने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हैकल की तामीर के अंदर मजीद तेज़ी आ चुकी है, जो कि इनका सदियों से ख्वाब है, क्योंकि इनका मानना है कि इसके बाद ही मसीह दज्जाल की इस दुनिया के अंदर आमद मुमकिन होगी, और इसी मकसद के लिए बाकायदा एक तंजीम द टेम्पल इंस्टीट्यूट कायम है। लेकिन एक अहम बात कि इस हैकल की तामीर के साथ एक बड़ी खून रेजी का बाइबल के अंदर भी जिक्र है, जिसकी तस्दीक यहूदी भी करते हैं और कहते हैं कि ये 7 साल लंबा अरसा होगा, क्योंकि पहले 3.5 साल के अंदर दुनिया की 1/4 आबादी मारी जाएगी, और इसके बाद इंसानों के मरने के दूसरे दौर का आगाज होगा, जिसमें दुनिया की मजीद 1/4 आबादी मौत का शिकार होगी। दोस्तों, इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब है। अगर इन पेशन गोइयों को दुरुस्त मान लें तो 7 साल के अंदर 3.5 करोड़ लोग सिर्फ इस तनाज़े के अंदर मारे जाएंगे। इनके मुताबिक पहले मरहले के अंदर खून रेजी मशरक़ वस्ती से लेकर मशरक वस्ती एशिया और शुमाली अफ्रीका, जबकि दूसरे मरहले के अंदर इराक़ के दरिया फरात से लेकर यरूशलम के इलाकों तक फैल जाएगी। दोस्तों, कुछ ही अरसे पहले तक इसराइल एक शदीद सियासी बुरान का शिकार था, लेकिन इसके वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और अपोजिशन के दरमियान एक पोलिटिकल डील के बाद ये बुरान आखिरकार ख़त्म हो गया, और अब दोनों पार्टीज यानी अपोजिशन और गवर्नमेंट एक ही पेज पर हैं, जो कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़े खतरे और वार्निंग से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ने मिलकर अमेरिका के साथ एक ऐसा तरीरी मुआहदा किया है जिसके मुताबिक 1 जुलाई 2020 को फ़लस्तीन के मगरबी इलाके गैर कानूनी इसराइली बस्तियां और वादी उर्दन मुस्तकिल इसराइली कब्जे के अंदर जाने वाली हैं, जिसे अमेरिका और इसराइल के दरमियान डील ऑफ सेंचुरी का नाम दिया गया है। इसके मुताबिक जून के बाद इसराइली फौज यरूशलम और मगरबी किनारे के गिर्द अपनी पोजिशनें संभाल लेंगी, और 1 जुलाई से इन इलाकों पर इसराइल मुस्तकिल इन इलाकों का अपने साथ इलाक का ऐलान करेगा, और ये कोई खुफिया प्लानिंग नहीं है बल्कि इस मंसूबे को तहरीरी शक्ल देकर और दस्तखत करके दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है, जो मुसलमानों के लिए आलमी इदारों और इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए खुला चैलेंज है। आपको बताता चलूँ कि फ़लस्तीन का ये मगरबी किनारा या वेस्ट बैंक वो इलाका है जो 3 तरफ से इसराइल और मशरक में उर्दन से घिरा हुआ एक सरसब्ज व शादाब इलाका है, जिसके शुमाल मगरब के अंदर बहर मुर्दार यानी कि डेड सी मौजूद है, और यही वो इलाका है जहाँ पर यरूशलम शहर मौजूद है। ये मगरबी इलाका 22 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ इसराइल पहले ही कुछ इलाकों पर कब्जा करके अपनी आबादियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अब तक इन बस्तियों के अंदर तकरीबन 4 लाख के करीब यहूदी आबादी मौजूद है, क्योंकि इसराइल जब भी चाहता है यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात शुरू कर देता है, जैसे इससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक ने ना तो इसकी मुखालफत की और ना ही कोई मजम्मती बयान सफारत खाने से तो दूर सोशल मीडिया अकाउंट से बिना दिए।
इसके इस सदी के सबसे बड़े मंसूबे के नाम से ही आप यहूदियों के नजायम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंसूबा इनके लिए किस कदर अहम है, जो कि 180 सफहात पर मुश्तमिल है और इसराइल को इन मगरबी इलाकों के साथ फ़लस्तीन के 50% हिस्से पर मुकम्मल इख्तियार और कंट्रोल दे रहा है, जबकि फ़लस्तीन पर यह पाबंदियाँ मजीद सख्त कर रहा है, जो कि हमारी आंखों को खोलने के लिए काफ़ी है। जिसके बाद मस्जिद अक्सा और कुबतुस सखरा को शहीद करके थर्ड टेम्पल की तामीर को एक कानूनी हैसियत मिल जाएगी, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर कानून के तहत इसराइली कब्जे के अंदर चला जाएगा और फ़लस्तीनी अवाम इसके खिलाफ एहतजाज भी नहीं कर सकेगी। इस मंसूबे के तहत यहाँ पर 30 बस्तियाँ, 8 गैर कानूनी पोर्ट्स और कई कस्बे तामीर किए जाएंगे, जबकि आलमी बरदरी का अगर कोई सख्त रद्द अमल आया भी तो इस मुआहदे के मुताबिक अमेरिका इसे कंट्रोल करेगा। और हवा में घूमते हुए हेलीकॉप्टर हर लम्हा मुजाहिदीन की मालूमात और इनकी नकल व हरकत को नोट कर रहे हैं, ताकि वक्त आने पर यह शदीद रद्द अमल और अचानक हमला कर सकें। लेकिन मुसलमान हुक्मरानों ने तो जैसे चुप का रोज़ा रख रखा है, सिवाय तुर्की के किसी को भी इस पर मजम्मती बयान तक देने और सख्त मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत नहीं हुई, जबकि इस वक्त इस गैर कानूनी और गैर इंसानी आबादकारी को रोकने के लिए पूरी दुनिया के सामने इसे उजागर करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि पूरी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठे होकर इस पर वाज़े और सख्त मौक़िफ़ को अपना सके, इसराइल को सिफारती और तजारती बायकॉट की धमकी देकर फ़लस्तीनियों की हर मुमकिन मदद की जाए, वरना फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म के अंदर और कत्ल में हम मुसलमान भी शामिल होंगे। लिहाजा अब यह सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो चुकी है कि शहर यरूशलम का किरदार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कुर्बे क़यामत से मुतल्लिक यहूदियों के लिए इस कदर अहम क्यों है, और ये क्यों नबियों की सरजमीन शहर के लिए और मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इस कदर बेचैन क्यों है, क्योंकि इनके मुताबिक ये वो जगह है जहाँ पर दज्जाल अपना तख्त लगाएगा। यरूशलम आधा ही पहले छीना जा चुका है और अगर मगरबी किनारे से भी ये इसराइल का हिस्सा बन गया तो ना सिर्फ इसराइली रूहानी तौर पर मजीद ताकतवर हो जाएंगे, बल्कि इनके हौसले भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए और मजबूत हो जाएंगे, और हम लोग हमेशा की तरह सिर्फ मजम्मती बयान देते रह जाएंगे, जैसा कि माजी के अंदर होता आ रहा है कि इस्लामी ममालिक से इस मसले की तवज्जो हटाने के लिए इसराइल हर बार इन इस्लामी ममालिक के अंदर इंतशार फैलाकर इन्हें अपने ही मसलों के अंदर उलझाने की कोशिश करता है, ताकि इनकी बैतुलमुकदस के मामले पर कभी तवज्जो जा ही ना सके, और अब की बार भी यकीनन ऐसा ही होगा। लिहाजा हमें अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अरबों का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है, क्योंकि बैतुलमुकद्दस अरबों का नहीं बल्कि मुसलमानों का है। यही वो जगह है जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया की इमामत फरमाई और मेराज पर तशरीफ़ ले गए। इसी जगह पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कबल बैतुलमुकद्दस की आज़ादी के लिए एक बड़ा लश्कर खुद से तैयार करके भेजा, क्योंकि इस सरजमीन को हक व बातिल का आखिरी मार्का तैयार करना है। दोस्तों, मैंने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं, आपको आगाह कर दिया, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पैगाम को कितना आगे फैलाते हैं, ताकि हमारे हुक्मरान तबके तक ये बात पहुंचे और वो इसके खिलाफ कोई सख्त और वाज़ह रद्दअमल अपनाएं और वो पहले की तरह मजम्मती बयान देकर इसे जान न छुड़वाएं, बल्कि इस पर अमली एक्शन लें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, आप हसी टीवी को सब्सक्राइब कर देना, इनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। हाँ जी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जगह है, एक तरह से कह लो होली सिटी है, और यरूशलम लिखा हालांकि जे है बट य से होता है यरूशलम, और कहते हैं तीन मजाहब वहाँ पर मेन है उनका, तीन मजाहब का, एक तो इस्लाम, जूडिस्ट और यहूदी वही हो गए, ज्यूस और क्रिश्चियनिटी। तो तीन का कहते हैं। अब इस्लाम का केस किस वे में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जब हुजूर ने वो सफ़र मेराज शुरू किया था तो वो एक दिन में मदीना से यहाँ आए थे, एक रात में वहाँ से यहाँ आए थे और यहाँ से हुजूर गए थे सीधा आसमान पर अल्लाह के पास। तो ये उस करके थोड़ा है। और एक हैकल सुलेमानी क्या होता है इसका बताना, ये शायद जूश जो लोग हैं उनका होता है, यहूदियों का कुछ ना कुछ होता है वो, और क्रिश्चियंस का ये था कि हज़रत ईसा को यहाँ से उठाया गया था, उनको तो वो इसलिए मानते हैं। तो जूस का हैकले सुलेमानी कुछ ऐसा कह रहे थे, वो हमें नहीं पता वो क्या होता है, उसका कुछ बता रहे थे कि वो तीसरी बार यहाँ उन्होंने कुछ करना है। और एक चीज़ और कि वो कह रहे थे जो दज्जाल है वो यहाँ पर आके ठहरेगा,
मतलब जो मुस्लिम है वो दज्जाल को एज अ वो मानते, क्या मानते हैं, शैतान मानते हैं एक तरह से, और जो यहूदी लोग हैं वो दज्जाल को एज अ अपना क्या एक तरह से अवतार मान लो, हाँ अपना अवतार मानते हैं उसे. मैं उस टाइम ये सोच रही थी क्या दज्जाल के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं नहीं बट कि वो आएगा यहाँ पे और रहेगा यहाँ पे. हाँ तो पता नहीं अभी इनके बारे में हमें नहीं पता, ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहूदियों के बारे में, कुछ नॉलेज नहीं है, ज़्यादा नहीं पता. और इनके जो वो वॉल हैं जिसके पास खड़े होके ये कुछ ना कुछ करते हैं वो भी वही यहीं पर है इसी पाक शहर में एक तरह से. तो इस्लाम का ये तीसरा बड़ा वो है, मतलब मक्का मदीना के बाद ये जगह इस्लाम में ज़्यादा अपनी मायने रखती है, मक्का मदीना के बाद. तो ज़्यादातर जेरूसलम में यहूदी रहते हैं, 2% इस्लामिक हैं सिर्फ. नहीं तो 60-70% यहूदी हैं, 25-40% के आसपास मुस्लिम हैं, और नहीं मुस्लिम ज़्यादा हैं, और 2% क्रिश्चियंस हैं. क्रिश्चियन बहुत कम है, 2% क्रिश्चियन. मेरे को लगा कि 2% नहीं 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 2% क्रिश्चियन है जैसे उन्होंने बोला था. अच्छा हाँ. और जो मस्जिद है, जो यहाँ मस्जिद थी यहाँ पर, फिर ये मुस्लिम ही रहते हैं. तो उधर तो जो पैलेस्तीन था ना, जो मैंने एक मैप भी देखा है, पता है 1947 का मैप, 1947 में ना पूरा पैलेस्तीन और इसराइल हल्का हल्का डॉट 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 करके है. फिर उसके बाद आज का देखो ना तो पैलेस्तीन डॉट डॉट करके है, इसराइल पूरा हुआ है. तो इसराइल ने पूरा कब्जा कर लिया एक तरह से. बट ये है कि अरब जो 1960s में कुछ वॉर भी हुई थी, सिक्स डे वॉर जिसे कहते हैं, अरब की 5 या 6 अरब कंट्री थी वर्सेस एक अकेला इसराइल था. बट इसराइल ने ना अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया, मतलब सबको मिलकर ही, जैसा इन्होंने कहा कि 57 मुस्लिम कंट्रीज है, सिर्फ टर्की के अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाता. क्यों नहीं उठाता? तो सिर्फ टर्की ही आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ, और कोई नहीं उठाता. और ऑफकोर्स इसराइल है तो साथ में फिर उसके अमेरिका भी होगा, क्योंकि अमेरिकन में सबसे तकड़े जो लोबी है वो इसराइल की है. तो आजकल वैसे भी यार यहाँ पर वो कुछ सही नहीं चल रहा, लड़ाइयाँ हो रही हैं इसराइल पैलेस्टीन में हो गई हैं. तो अल्लाह करे सब सही हो जाए. अब लड़ाई झगड़े में कुछ किसी का कुछ नहीं बनता, सबका बिगड़ता ही है. जो जीतता है उसका भी जाता है, जो हारता है उसका भी जाता है, किसी को गेन नहीं होता. तो यही दुआ अल्लाह से कि ये सब सही हो जाए, लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं ये सब बस ख़त्म हो जाए बस. तो चलते हैं गाइस, हंसी टीवी चैनल से थी ये वीडियो. आप इनके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.